आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो DLED की रैंक वाली लिस्ट आई है उसके बाद आपको करना क्या है। आई थिंक आप सभी ने जिस जिस बच्चे ने फॉर्म भरा था सभी बच्चों ने अपना रैंक में नाम रैंक वाली लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपका रैंक जो है वो कितना आया हुआ है। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सुनिए। देखिए जो लिस्ट है आपने देख ली होगी, अगर किसी को लिस्ट नहीं मिली है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे जाके एक पीडीएफ होगी आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है उसमें अपना नाम जो है अपना नाम चेक कर लेना और नाम के साथ आपको आपकी रैंक भी मिल जाएगी। और आप नाम चेक करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा उसे भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक नाम के एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किसी और की रैंक चेक कर लो। ठीक है, या फिर आप अपने डैशबोर्ड पे जहां पे फॉर्म भरा था डैशबोर्ड से भी जाके अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपकी रैंक चेक हो जाएगी, चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, वो तो उस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा, आपकी रैंक कितनी भी हो, लेकिन आपको बुलाया गया है तो 17 जून से लेकर, ठीक है, 17 जून से लेकर 21 जून 2019 तक इस डेट में जो दिल्ली के कैंडिडेट है, ठीक है, जो दिल्ली के कैंडिडेट है वो जाकर अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन में आपको अपने जो कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, 10वीं क्लास के 12वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको मिला हुआ है आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे जाना होता है। और आपके वहाँ पे क्या होंगे जो नो डाइट वगैरह जो भी हैं वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको देखा जाएगा। ठीक है, कोई कमी वगैरह होगी तो आपको बताया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है उसका। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अगर कोई कमी होती है, कोई भी मतलब कमी होती है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज की फीस होगी आपकी, उसको देकर ऑनलाइन पे करने के बाद आपका जो करेक्शन होगा वो कर दिया जाएगा। करेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो आपने कोई फॉर्म भरते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, मार्क्स भरते वक्त कोई मिस्टेक कर दी हो, या कुछ भी अगर आपकी मिस्टेक हो तो उसको ठीक करने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो रैंक है, अब आप सोचिए कि जो जो सीटें हैं वो 1100 के करीब है गवर्नमेंट डाइट में, लेकिन बोला ये 11000 रहे हैं, तो यानी कि जिसका रैंक रैंक में नाम है वो जाकर वहां पे वेरिफिकेशन करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एडमिशन हो गया। आप एक चीज को ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एडमिशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, आपकी वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रैंक आएगी। फाइनल रैंक का मतलब समझ रहे हो, ये तो आपका एक टेम्परेरी समझ लीजिए, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट 1 जुलाई 2019 को इस दिन जो रैंक आएगी ना वो आपकी फाइनल होगी, तो उस फाइनल रैंक से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साइट पे जाकर चेक कर लें। और यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है, मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इन चीजों को नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो दिल्ली डाइट है, ठीक है, दिल्ली डाइट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है गवर्नमेंट डाइट, एक होती है प्राइवेट डाइट। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट है इसमें क्या डिफरेंस है आपको पता ही होगा कि वैल्यू की बात करें, वैल्यू दोनों की ही सेम है, आपको वैल्यू में कोई फर्क नहीं मिलेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। बट यह है कि गवर्नमेंट में जो फीस आपको जमा करनी होती है आपकी फीस काफी कम होती है, लेकिन प्राइवेट में जो फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है, यही फर्क है। ठीक है, अब फीस कितनी होती है गवर्नमेंट में, अगर कुछ चेंज ना हुआ हो तो जितना मुझे पता है 700 रुपये महीना फीस होती है, यानी कि 3 महीने की फीस एक बार में जाती है, यानी कि 2100 रुपये फीस जाती है आपकी 3 महीने में। और यहाँ पे यही फीस लगभग 3000 के करीब जाती है, 3000 के करीब। ठीक है, तो ये जो होता है ये फीस क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि 700 रुपये में और 3000 रुपये में आपको शायद मुझे लग रहा है कि अच्छे से पता लग रहा होगा कि कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का आपको फीस का ही फर्क पड़ेगा। अब गवर्नमेंट में एडमिशन किसका होता है आप ये समझ लीजिए, और प्राइवेट में किसका होता है, गवर्नमेंट में जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनकी कट ऑफ मतलब फर्स्ट सेकंड जो कट ऑफ आती है गवर्नमेंट डाइट की, जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनका नंबर आ जाता है उसमें, वही गवर्नमेंट डाइट में जाते हैं, और जो जिनके थोड़े कम नंबर आते हैं उनको प्राइवेट डाइट में मिलता है एडमिशन। ठीक है, ये होता है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे समझानी थी, आई होप ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो सीट की बातें हैं उसका क्या सीन है यहाँ पे ये समझिए। देखिए मान लो 100 सीट है तो उसमें से जो 85% सीटें होती हैं वो दिल्ली के लिए होती हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट होते हैं,
और 15% जो सीटें होती हैं वो अदर के लिए होती हैं। अदर का मतलब आप समझ रहे हो जो बाहर से है, बाहर से जैसे कि मतलब कोई हरियाणा से हो गया, यूपी से हो गया, पंजाब से हो गया, या किसी दूसरे राज्य से जो आके दिल्ली डाइट के फॉर्म भरता है तो वो अदर में काउंट होता है। अब ये पता कैसे लगता है कि कौन सा दिल्ली का है कौन सा बाहर का है, इसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंगवाया जाता है। अगर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंगवाया होगा, ठीक है, डोमिसाइल वगैरह की बात आपको पता लगेगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डोमिसाइल पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको भी बनवाना पड़ेगा डोमिसाइल, कि कैसे बनवाया जाता है, क्या प्रोसेस है, और वो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा डोमिसाइल क्या बनवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें फाइनल जब आपकी लिस्ट आती है उस टाइम पे आपको जरूरत होती है। फिलहाल तो आप पहले वेरिफिकेशन करवा लो और इन सब चीजों को देख लो। तो ये होगा आपका, और अपने वेरिफिकेशन वगैरह करा लो, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना, अगर टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके ना एक बार अपना पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी रैंक चेक कर लो, अगर किसी ने नहीं किया चेक तो, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।